तेज रफ्तार कार बनी जान का जिया। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जहां बहाक, 3 जख्मी। इस्लामपुरा में डंपर ने 18 साल लड़के को कुचल दिया। आग लगने से नौजवान की लाश झुलस गई। सिविल लाइंस कॉलेज के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़का जहां बहाक। सिविल लाइंस के इलाके में ही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराने से 2 दोस्त जहां बहाक। आशियान हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल और बस में तसादुम, नौजवान जहां बहाक, 1 जख्मी। सिविल लाइंस के इलाके में ही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी। कहाना पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 37 मनचले गिरफ्तार। वन व्हीलर्स फिरोजपुर रोड पर हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर शिरकत के लिए कसूर जा रहे थे। वन व्हीलर्स को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। बलूचिस्तान में पंजाब के मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। दहशतगर्दों का पीछा करके इन्हें मनकती अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बंदूक के जोर पर किसी को मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कौम सरपरस्ती के नाम पर दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आइन के अंदर रहकर किसी से भी मुजाकरात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का बरामद। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत, शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की। मीर सरफराज भुट्टी बोले, बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूस है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दों का पीछा करके इन्हें इनके बिलों से निकाल कर मनकते अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत सरगर्म अमल। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की हदायत पर ट्रांसपोर्ट को किराए में कमी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी पीटीए को अपने ही अफसरान को फील्ड में मुतहरिक करने की भी हिदायत। तमाम आरटीएस को ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के हवाले से फौरी अमल इकदाम करके रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। जिला इंतजामिया का मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 983 मकामात की चेकिंग करते हुए 4 मुकदमा दर्ज करा दिए। 144 के खिलाफ वर्जियों पर 8,00,000 जुर्माने भी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहरों को बुनियादी सतह तक रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब से अख़ुवत के बानी और चेयरमैन की मुलाकात। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन। मरियम नवाज बोली, सुबह भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हर साल दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहो की ज़ेरे सदारत इजलास। कपास की मौजूदा सूरतहाल और हालिया बारिशों के फसल पर असरात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहो बोले, सितंबर का महीना कपास की मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम है। कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए जारी फील्ड सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाए। मौसमी पेशगोई के मुताबिक सितंबर का महीना कपास की फसल के लिए बेहतर रहेगा। आईपीपीएस की वजह से लोगों के घर के किराए से ज्यादा बिल आते हैं। अब लोगों को आईपीपीएस के बारे सब मालूम हो गया। बस की तरफ से वो पाकिस्तान अब तक नहीं बन सका जिसकी तमन्ना थी। मुल्क में सियासतदानों की सूरत में अशराफिया बरसर इकतदार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का तकरीब से खिताब बोले, इंतजामात अच्छे ना हो तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। हम लाखों बच्चों को मुफ्त आईटी कोर्सेज कराएंगे।
सब्जी मंडियों में ग्राम फरोशों की इजारादारी, सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी। प्याज 150, टमाटर 130, लहसुन 600, अदरक 700 रुपए में फरोख्त, लीमू 700, बंद गोभी 150, फूल गोभी 130 रुपए किलो में दस्तियाब। ब्रायलर गोश्त के निर्ख 571 रुपए किलो मुकरर, फार्मी अंडे 310 रुपए दर्जन में फरोख्त। जिला इंतजामिया की डेंगू कार्रवाइयां मजीद तेज, 24 घंटों में 1792 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, हॉटस्पॉट की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जा रहा है, फर्जी कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिला इंतजामिया के इंसदाद स्मोक मुहिम, धुआं छोड़ने वाली 18 गाड़ियां बंद, 32 गाड़ियों के चलान 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद। ईंटों के 4 भट्टे मिसमार, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और खस्ता हाल 17 गाड़ियों के चालान भी किए गए। खबरदार होशियार, ई चलान नाहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग, पकड़ने के लिए दोबारा टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CTO अमारा अतहर कहती हैं, अब शहरों को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी। रिकवरी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगी। चालान की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन, दीगर सहूलियात मयसर नहीं होंगी। ट्रैफिक की दुरुस्तगी के लिए शहरियों को कानून का एहतराम करना होगा। पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस इश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम से टेक्निकल मसला, सुबह में लाइसेंस सर्विसेज के वक्ती तौर पर बंद कर दी गई। लर्नर परमिट रिन्यूअल और फ्रेशनर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस जारी नहीं हो सकेंगे। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PTIB की टीम टेक्निकल इशू और अपग्रेडेशन पर काम कर रही है। मसला हल होने के बाद रास्ता FM रास्ता ऐप, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए शहरियों को आगाह रखा जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला पुलिस अफसरान और अहलकार को 15 लाख से ज्यादा फंड्स जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, हेल्थ तआवुन का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। CCPO की जेर सदारत अहम इजलास, अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर अहम पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। बिलाल सदीक कमियाना की बाना रबीउल अव्वल पर बरामद होने वाले जुलूसों, रैलियों और महाफिल के लिए मुरतब सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने की हिदायत। CCPO ने मंशियात केसों में मुलजिमान की बरीयत की वजूहत जानने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशन कमेटी के मेम्बर्स होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजाम से मुतलिक इजलास, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शायकी ने क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के सवाब तमाम मैचेस फ्री देख सकेंगे। मोहसिन नकवी बोले, फैसलाबाद में बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। चैंपियंस लीग में ना सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। चैंपियंस लीग की कामयाबी के लिए पूरी टीम को जिम्मेदारी से काम करना है। और सैकड़ों सदाबहार गीतों के खालिक और फिल्मी कहानी नवीस अहमद राही की आज 22वीं बरसी है। अहमद राही ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 के करीब नगमे तख्लीक किए। इनके लिखे नगमे आज भी जबान पर जदेआम हैं। अहमद राही को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निगार और बोलान अवार्ड से भी नवाजा गया।